श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए इस स्थान का नाम है छठीकरा। क्या नाम है? इसका दो कारण से ये छठीकरा बताया जाता है। एक तो कहते हैं यहाँ पर उन्होंने मैया जस्तर नहीं यहाँ पर षष्ठी पूजन किया है, और दूसरा कारण बताए जब श्री गोकुल से जब श्री नंदा बाबा और मैया जसोदा यहाँ पर आए और यहाँ पर बोले सकटम अर्धचंद्र, यहाँ पर जो पहले गाड़ी में सब कुछ लेकर के एक से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए जब यहीं पर आए बोले जो सकट मतलब होता है जो बैलगाड़ी को अर्धचंद्र, अर्धचंद्र जैसे करके हैं, जो जिधर से हवा आती है समझो उसी तरफ से उन्होंने अर्धचंद्र करके यहीं पर रुके थे, इसलिए सकट को अर्धचंद्र किया था, इसलिए कहते छठी करा। दो कारण से बोले यहाँ पर क्यों आए, बोले जब नंदबाबा गोकुल में रहते थे इसका नाम ब्रज, क्या नाम है? ब्रज मतलब क्या होता है? बोले ब्रज एक सांस्कृतिक शब्द है, बोले ब्रज गतो वा ब्रज चलती, ये जो ब्रजवासी थे वो एक स्थान पर नहीं रहे हैं, जहाँ पर रहते थे उनका मूल धन था काधी, जब वहाँ की घास खत्म हो जाती थी फिर उन्होंने वहाँ छोड़ करके और एक जगह, जब वहाँ से घास खत्म छोड़ करके और एक जगह, एक स्थान पर कहीं निर्दिष्ट रूप में वो नहीं रहते थे, इसलिए इसका नाम कहते ब्रज। ब्रज मतलब चलती वा ब्रज गतो, वा चलती वा जो गति करती है, इसलिए जब वो रहते थे गोकुल में, गोकुल में उन्होंने पहले तो पुतना आ गई नटखट की, उसके बाद में सकटा सुर आ गई, उसके बाद में तृणावर्ता आ गई, लेकिन उसको बाद में जब उन्होंने नल कुबेर मुनि गृह को उन्होंने उधार किया, जो इतने में मैया जसोदा ने सास ने की उखल में बांध दी थी कृष्ण को चुप, जब वह जल्दी जल्दी आकर के उन्होंने रस्सी को खोल दी और पकड़ से एक लड्डू निकाल कर दे दी ना, देखना बच्चे का जो स्वभाव, जैसे मैया ने खूब डांट लगाई खूब शासन करे, अगर पिताजी थोड़ी सी प्यार करने लग जाए तो बच्चे क्या करते, रोना शुरू कर देते, इतने में कृष्ण तो रोना शुरू कर दिए, इतने में नंदा बाबा कहते हैं लाला तेरे को बांधा किसने, बोले मैया, बोले खोला किसने, बोले बाबा, नंदा बाबा बोले खूब मैया मैया, एक दो मटकी तो बुरा होगा और तो कोई बात नहीं, और इतना बड़ा दंड उखल में बांध दिया, नारायण कृपा को कैसे दोनों वृक्ष दोनों तरफ में गिर गए, अगर थोड़ी सी इधर उधर होता तो लाला का राम नाम सत्य हो जाता, लगता है कि मक्खन मिश्री और मटकी में बड़ा आसक्ति है, तू ये मक्खन मिश्री मटकी के देख रहा कर, मैं तो दोनों लाला को लेकर तुम्हें विदेश जा रहा, तू यही पर रहा करो। नंद बाबा बड़ी जोर से डांट लगाए, मैया तो डर गई, सचमुच से अगर कृष्ण बलराम को लेकर चले गए तो फिर क्या होगा, डर गए। इतने में नंद बाबा ने धारस में दूध में मिश्री मिला करके कृष्ण बलराम को दोनों को पिला दिए, ब्रह्मा के घाट में गए स्नान किया और शाम को कृष्ण बलराम को लेकर घर में आए, घर में लड़ाई हो गई, मैया जसोदा नंद बाबा में हाँ ठनवटी हो गई, अगर एक कोड़े में मैया जसोदा बैठ करके खूब खूब कर रो रही है और एक कोड़े में नंद बाबा बैठ कर बड़े दुखी है और कृष्ण बलराम दोनों गोद में, अभी तीसरा व्यक्ति कौन है इनका झगड़ा को मीमांस करेगा, कहते सब तीसरा व्यक्ति हो, बोले कौन, बोले मैया रोहिणी, मैया रोहिणी, अभी मैया रोहिणी सोच रही है अगर किसी तरह से कृष्ण को नंद बाबा का गोद से लेकर के अगर श्री मैया जसोदा की गोद में छोड़ देना झगड़ा खत्म हो जाएगा, इतने में मैया रोहिणी दाऊ भैया को बोले दाऊ ये काम करो कन्हैया को पिताजी की गोद से उठा करके माँ की गोद में छोड़ दे, इतने में बलदेव प्रभु जब गए कृष्ण का हाथ को पकड़ बोले कन्हैया चल माँ के पास में चलो, कृष्ण इतना क्रोध में थे ना उन्होंने हाथ इतनी जोर से झटका मारी वहीं पर तो दाऊ भैया लुढ़क गए गिर पड़े, इतने में मैया रोहिणी आकर बोले लाला कन्हा तो मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती रहती है मैं मैया के पास में नहीं जाऊंगा, बोले रहोगे कहाँ पर, बोले बाबा को साथ में, बोले बाबा को साथ में रहोगे तो दूध थोड़ी बाबा के पास में मिलेगा, दूध तो मैया के पास में मिलेगा ना, बताओ दूध कहाँ से पियोगे, बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला कर खिला देंगे, बोले सोगे कहाँ पर, क्योंकि जब तक कृष्ण माँ की गोद में नहीं सोते ना कृष्ण को नींद नहीं आती, देखना कृष्ण बच्चे को बड़ा आदत है, जब तक मैया गोद में नहीं थे वो नींद नहीं आई,
बोले सो गए किसको गोद में, बोले बाबा को गोद में, बोले खेलोगे किसको साथ में, बताओ भैया को साथ में, बोले मैया के पास में, बोले नहीं मैया के पास में नहीं जाऊंगा। और रोहिणी बोली अगर मैया के पास में नहीं जाओगे, मैया अगर ऐसे हो गई तो, समझ रहे ना, अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगा। जब कन्हैया ने सुना मैया को गोद में नहीं जाऊंगा तो मैया मर जाएगी, फिर तो कान्हा को रहा नहीं गया, पिताजी की गोद से खड़े होकर के मैया 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 करते करते सीधा जाकर के मैया की गोद में लेट गए। हैं इतने में वहां पर जितने ब्रजवासी थे ना, सबके सब ये लीला देख करके फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। नंद बाबा ने देखा और यहाँ पर नहीं चलेगा रहे, पहले तो तृणावर्त सकटासुर पुतना आ गई, अभी ये पेड़ अपने आप गिर करके लाला के ऊपर गिरने लगे, टूट करके लगता ही जो ब्रज है हमारी एकदम प्रतिकूल हो गया, रहने का योग्य नहीं रहा। उन्हें सब कमेटी को बुलाए, बोले बताओ क्या करनी चाहिए। सबसे जो वृद्ध गोप उपानंद था, बोले देखो ये पास में एक वृंदावन है, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, जहाँ पर कलकलनाद से जमुना बह रही है, जहाँ पर पास में श्री गिरिराज गोवर्धन, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बड़े सुंदर मैदान, गैया को खाने के लिए घास, बड़ा सुंदर अपूर्व स्थान ये पास में, चलो हम लोग वहीं चलते हैं। बोले कल क्यों, आज ही चलते, ढिंडरा पिटवा दो। सब ढिंडरा पिटवा दिया, चलो हम सबके सब से वृंदावन चलते हैं। और जितने बड़े बूढ़े थे उनको बैठा दिया बैलगाड़ी पर, और एक गाड़ी में बैठा दिया नंद श्री जसोदा और रोहिणी को, और कृष्ण बलराम को बैठा दिया, और जितने सब के सब बलिष्ठ सब गोप लोग थे धनुष लेकर के गैया बछड़ा को लेकर के आ रहे थे वृंदावन धाम। जब सफेद गैया चलती थी ना, लगता था सिर्फ गंगा बह रही है, और जब यमुना नदी स्वयं प्रवाहित हो रही। अभी कृष्ण बलराम दोनों छोटे, बोले कितना उम्र, बोले 3 साल 4 महीना, तभी उन्होंने गोकुल छोड़े। जब आ रहे थे, अभी कृष्णा तो छोटे बच्चे, बच्चों का स्वभाव देखना, जो देखे वही पूछे। इतने में आ रहे थे, देखा बड़ा सुंदर कुहू, बोले मैया मैया ये कौन सा चिड़िया इतना सुंदर बोली बोलता है, खेल है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया 4 महीना में आए, समझो 4 साल में कृष्णा मचल रहे हैं, हम गैया चरवाएंगे। 4 महीना का बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटे से होते हैं, लेकिन कृष्ण एक तो भगवान, फिर कृष्ण मक्खन दूध दही देखना, जो बड़े पैसा वाले के बच्चे होते हैं ना, वो कम उम्र में खा पी कर कपड़े लंबे चौड़े दिखते हैं, दिखते हैं ना, और मक्खन दूध दही खाते हैं, इसलिए कृष्ण बलराम एकदम बड़े सुंदर दिखते थे। जैसे 3 साल में मचल गए, इतने मचल गए, इतने में नंद बाबा को मजबूर कर दिया। नंद बाबा ने बोले एक काम करियो, तुमको गैया चराने का जरूरत नहीं, पहले तुम बछड़े को लेकर जाओ आसपास में खेल है, लेकिन कोई शुभ मुहूर्त निकालनी चाहिए, सांडिल्य ऋषि को बुलाए, पर कोई शुभ मुहूर्त निकालो। फिर उन्होंने जो कार्तिक महीना में जो गोपाष्टमी है, उन्होंने गोपाष्टमी का समय पर अच्छा दिन है, इसी दिन जानी चाहिए। घर घर में प्रभु गए, घर घर में मालपुआ खीर खिलवाए। अभी मैया जसोदा कहने वाले लाला, तो जब चले जाओगे है बछड़े चराने के लिए, मैं किसको देख करके। कृष्ण बलराम को सवेरे सवेरे स्नान करा के, स्वस्ति वाचना करा के, अपना हाथों से दोनों लाला को उनने श्रृंगार करवाए, और जा रहे थे मैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी दूर जाए कृष्णा, फिर जाकर कृष्ण को फिर गोद में भर लेती है, थोड़ी दूर जाए फिर मैया जसोदा गोद में भर लेती है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नंद बाबा सांडिल्य ऋषि कह रहे हैं, बोले टाइम बीत जा रहे, सुबह में तो बीत जा रही है, अभी जल्दी जल्दी छोड़, बड़े जैसे मानो शरीर से प्राण निकल जा रहा, ऐसे उन्होंने छोड़े। इसलिए कृष्ण यहीं पर जब सखाओं के साथ में ग्वाल यहीं पर आए, एक दिन कृष्ण नंद के लाला मैया जसोदा का दुलाला, बोले तुम लोग को ग्वाला, तुम लोग मेरे को क्या जानते हो, अरे मैं भगवान हूँ सत्य युग में वही नारायण, जिनकी नाभि कमल से कौन निकला, स्वयं ब्रह्मा जी निकले, मैं वही भगवान हूँ। जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्म।